नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल। मैं हूँ शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है कपल वाला रिएक्शन रिएक्शन। गाइस, अच्छी वीडियो हंसी टीवी से है और ये है पार्ट 4। और वीडियो का टॉपिक है अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो हम लोग ने पार्ट 1, 2, 3 तीनों किए हैं, जिसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी फैक्ट्स कुछ, सुने हैं। बिल्कुल काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है कि दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है ये। एक लास्ट वीडियो में कितना अजीब सा था एक स्टोरी, कि एक पिग को कटघरे में लाते हैं क्योंकि हाँ, उसने अपने किसी बच्चे को अपने पंजे से मार के जख्मी किया होता है। किसी उसको वजह इंसानों वाले कपड़े पहनाते हैं, उसको कटघरे में लाते हैं और इंसानों की तरह उसे फांसी पे चढ़ाते हैं। बट ये ज़्यादा हो गया कि सिर्फ पंजा मारने के लिए फांसी दे दी, फांसी, ये थोड़ा ज़्यादा है फिर, ये ज़्यादा हो क्योंकि इंसान में भी कोई अगर काट ले, दांत से काट ले, तो उसके लिए फांसी तो नहीं होती, इतना तो नहीं होता। सही बात है। तो चलो, बट उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करनी थी तो क्या ही कह सकते हैं। सही बात तो है। हंसी टीवी से है गाइस ये वीडियो, आप चाहो तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 4 में खुश आमदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान के मुतालिक इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ फैक्ट्स जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जॉली ने एक बार एक हिटमैन को हायर किया था। हिटमैन उस शख्स को कहते हैं जो पैसे लेकर किसी का मर्डर करता है, यानी अगर अल्ताफ भाई की ज़बान में बोलें तो बोरी तैयार करने वाला, क्योंकि वो अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा टेंशन वाले दौर से गुजर रही थी। इन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, लिहाजा इन तमाम हालात से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी करने की बजाय एक हिटमैन को हायर किया, ताकि इनके घर वालों को दुख ना हो कि उनकी बेटी ने खुदकुशी की है, बल्कि वो इस हिटमैन पर गुस्सा करके इस वाक्य को भूल जाएं। मगर आगे से शायद वो हिटमैन भी इंजीनियरिंग पास बेरोजगार था, जिसने ये काम करने की बजाय उल्टा एंजेलिना को समझाया कि वो 1 महीने का टाइम ले ले, ये सोचने के लिए कि क्या वो वाकई ऐसा करना चाहती है। लिहाजा 1 माह सोचने के बाद इनका मूड बदल गया और वो आज भी जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि स्वीडन के ट्रेन ड्राइवरों पर गर्मियों के दिनों में शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसका एहतजाज उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड करवाया कि रोज़ाना ड्यूटी पर लेडीज स्कर्ट पहनना शुरू कर दी और वही पहनकर ड्राइविंग करने लगे। शुक्र है इन्हें बनियान पहनने से नहीं रोका गया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना के पास क्रिस्पर केस 9 डीएनए मॉडिफिकेशन तकनीक मौजूद है, जिससे वो जानवरों पर तजर्बात करता रहा है और इनके डीएनए में बदलाव करके क्लोनिंग के जरिए कई हैरत अंगेज जानवर पैदा किए हैं। लेकिन पहली बार इस तकनीक के जरिए 2 लड़कियों को कामयाबी से पैदा करवाया गया। साइंटिस्ट को पहले ही डर है कि एक वक्त आएगा जब इस तकनीक का मिसयूज़ किया जाने लगेगा और आंखों के रंग से लेकर आईक्यू तक सबको अपनी मर्जी से बदला जा सकेगा। चाइनीज साइंटिस्ट का दावा है कि ये बच्चे एचआईवी, एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों से खुद ही लड़ सकते हैं। मजीद इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक फीमेल फिश बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती हैं, क्योंकि अगर इनका मेल पार्टनर कोई फाइट हार जाए तो वो इसे छोड़कर दूसरे मेल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती हैं। मेल मकड़ियां फीमेल मकड़ियों को गिफ्ट के तौर पर शिकार को अपने जालों में बुनकर पेश करते हैं, ताकि वो इस मेल से इम्प्रेस होकर इससे मीटिंग करे। लेकिन फीमेल मकड़ियां कई बार जब इस जाल को अनरैप करती हैं तो इससे कूड़ा ही निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दराज से मंगवाई गई प्रोडक्ट से निकलता है। आपने दुनिया के कई अजीबो गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची आवाज से चिल्लाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली आयरलैंड की एक स्कूल टीचर है, जो 121 डेसिबल की आवाज़ पर चीख सकती है। ये आवाज़ कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इतनी आवाज़ एक जेट इंजन की हुआ करती है या फिर एक रॉक कॉन्सर्ट की, यानी आसान अल्फाज में कहें तो आपके कान के पर्दे फाड़ सकती है, क्योंकि 80 और 90 डेसिबल से ऊंची कोई भी आवाज़ इंसानी कानों के लिए नॉइज़ तसव्वुर होती है। सो जब भी वो क्लास के शोर करते बच्चों पर चिल्लाती हैं तो इन्हें चुप होना ही पड़ता है। मुझे तो इसके बेचारे हस्बैंड का सोचकर तरस आ रहा है कि वो किसी भी तरह से बीवी को गुस्सा दिलाने की कोशिश भी नहीं करता होगा। एक रिसर्च में ये पता चला है कि आज से 50 साल पहले तक घरों में इस्तेमाल की चीज़ें बहुत कम हुआ करती थीं,
जिसका फायदा ये था कि जब भी घर में कोई आग लगती तो हर शख्स के पास तकरीबन 15 मिनट होते थे जान बचाकर घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन आज के दौर में ये सामान इतना ज़्यादा हो गया है और इसकी टाइप भी इस तरह की होती है कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसीलिए अब इनके पास निकलने के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट ही होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10,000 बीचीज हैं जिनको अगर आप रोज़ाना भी देखते जाएं तो हर दिन देखने पर भी आपको 25 साल लगेंगे। ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरकी हिस्से में आबी हयात की दुनिया की सबसे बड़ी अमाजगा मौजूद है जिसे दी ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, और ये 2600 किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है जहाँ सिर्फ मछलियों की 1500 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। चीन के शहर चांगशा की एक खातून को दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली। इस पूरा हफ्ता इसने घर से बाहर निकलने के बजाय मुसलसल अपना फ़ोन इस्तेमाल किया रखा, यानी सोते जागते इसके हाथ में सिर्फ मोबाइल फ़ोन था। इसने मोबाइल इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि इसके हाथों की उंगलियां अकड़ कर टेढ़ी हो गईं, जिसकी वजह उंगलियों को हरकत देने वाली माया की झिल्ली पर सोजन का आ जाना है। यानी अगर आप भी लगातार फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी ज़ोंबी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 55 साल के एक शख्स को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह रोज़ाना पुलिस को सैकड़ों मरतबा कॉल करके परेशान करता था। इसने पूरे साल में एक ही नंबर से 45,000 मरतबा फ़ोन करके पुलिस का वक्त ज़ाया किया, क्योंकि ये पुलिस के नंबर पर कॉल करके शिकायत करने की बजाय उनसे गपशप करने लग जाता जैसे पुलिस वाले इसके साले हों। अरेस्ट होने के बाद इस शख्स का कहना था कि वो 2 साल से बदतरीन तन्हाई का शिकार है क्योंकि 2 साल पहले इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई। हो सकता है कि बीवी भी इसीलिए छोड़ के गई हो। खैर, इसे कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर 5 साल तक जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। युगांडा की एक 40 साल औरत 44 बच्चों को जन्म दे चुकी है जिनमें से 38 बच्चे अभी तक जिंदा हैं। पहली बार वो 13 साल की उम्र में माँ बनी और लगातार 40 साल तक हर साल हामला रही। इसने 6 मरतबा जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शायद इस औरत के ससुर ने दामाद से ख्वाहिश की होगी कि मेरी बेटी को कभी खाली पेट न रखना, और दामाद ने शायद ये बात दिल पर ही ले ली। हैरत की बात तो ये है कि इस औरत के शोहर की कई और बीवियाँ भी हैं और ये साल में सिर्फ एक बार ही अपनी इस बीवी और बच्चों को शक्ल दिखाने के लिए आता है, जिसके बाद एक बच्चे का और इजाफा हो जाता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक आर्टिस्ट ने लोहे और लकड़ी का इस्तेमाल करके 21 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा दुनिया का सबसे वजनी हथौड़ा तैयार किया जो अपने बनने के अगले दिन ही चोरी हो गया। रूस में एक 25 साल की औरत की मौत के बाद इसकी कब्र पर एक बड़े से आईफोन को नसब कर दिया गया जो कि पत्थर से बना हुआ है, लेकिन देखने में बिल्कुल रियल लगता है। यहाँ तक कि इस बड़े आईफोन पर इस औरत की तस्वीर भी लगाई गई है और इसकी बैग पर एप्पल का लोगो भी मौजूद है। इसकी वजह यह है कि इस औरत को अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा प्यार था। यही नहीं बल्कि इस आईफोन वाली कब्र के साथ वाली कब्र पर QR कोड बनाया गया है जिसे स्कैन करके इस मरने वाले शख्स की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। थाईलैंड के एक गाँव में 5 लोगों की पुरस्कार मौत के बाद गांव के तमाम लोग तोहम बरस्ती का शिकार हो गए। इनका मानना था कि किसी बेवा चुड़ैल ने इन 5 लोगों का कत्ल किया है, लिहाजा गांव के तमाम मर्दों ने डर के मरे अपने नाखनों पर नेल पॉलिश लगा ली ताकि ये बेवा चुड़ैल इन्हें मर्द नहीं बल्कि औरत समझे और ये तमाम लड़के उसे बेवकूफ़ बना सकें। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर गश्त करके लड़कियों से दोस्ती करता था। इसका कहना था कि वो किराए पर हासिल की गई महंगी तरीन गाड़ी में लड़कियों को सैर पर ले जाता और इसने हर एक लड़की से शादी का वादा किया हुआ था। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स में सिर्फ इतना ही। आपको इन तमाम फैक्ट्स में से सबसे अमेजिंग कौन सी लगी और क्यों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इतने सारे तो बता देते हैं, उसमें नंबर वन फेवरेट लेना, फेवरेट ड्रग ना बहुत मुश्किल है, पर बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है चीज़ें देखकर। बिल्कुल, हाँ जी बताओ कौन सा फेवरेट है। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट तो वो था जो स्कूल की जो एक टीचर थी उसकी आवाज़ कितना बता रही थी, कितने डेसिबल, 121 डेसिबल, ये पता नहीं क्या, 121 डेसिबल, हाँ वो इतनी उसकी आवाज़ अगर इक्वल्स टू करे तो वो एक किसी जेट की आवाज़ से
जितनी होगी, या फिर एक रॉक कॉन्सर्ट में जितनी आवाज आती है लाउड स्पीकर से। बिल्कुल, कहते कि इंसान 70-80 डेसिबल से ऊपर सुन नहीं सकता। सोचो क्या तेज आवाज होगी। मेरे को याद है अभी भी हमारे स्कूल में ना हमारे पीटीआई टीचर होते थे, वो बोलते थे ओए बच्चे, और उनकी आवाज इतनी लाउड होती थी ना ओए बच्चे, वो बहुत दूर तक जाती थी ओए बच्चे ओए बच्चे। बट फिर भी औरतों की आवाज ज्यादा, औरतों की ज्यादा पतली होती है, तो वो वैसे कान में लग चुभती है, वो बात अलग है, पतली है और दूर तक जाती है। पतली होती है, दूर तक जाती है। काफी की सही भी होती है, जो चिल्लाते हैं फिर उनकी लगती है कान में। और इससे भी ज़्यादा मुझे वो वाला फैक्ट लगा, जो जिस औरत ने 13 साल की उम्र में पहले बच्चे को जन्म दिया था, और लगातार 40 साल की उम्र, बीच बीच में 6 बार कह रहे हैं कि डबल भी हो गए, जुड़वा बच्चे भी हो गए, क्या ही बताएं, क्या ही बोले। और मतलब उसको देखने में भी, मतलब आसपास बच्चे हैं और देखने में भी काफी हेल्दी है वो, करिश्मा को कुदरत का सच में। एक इंसान ने हथौड़ा बनाया, मैं सोच रहा था हम थोड़े पैसे वैसे आ जाए, हम भी बना सकते हैं यार, अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करा सकते हैं। उस भाई ने 21 फीट का बनाया था हथौड़ा। हाँ, 21 फीट का हथौड़ा बनाया था, लकड़ और उस वर्ल्ड का सबसे भारी था, सबसे भारी और सबसे लंबा, दिन ही चोरी भी हो गया। तो ये वैसे टूट सकता है रिकॉर्ड, अगर कोई तोड़ना चाहे ना, 21 फीट या 23-24 फीट लंबा बना सकते हैं हथौड़ा, और भारी बना सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, बट यही है कि काफ़ी महीनों की मेहनत होगी, नाम बट गिनीज बुक में नाम आ सकता है। और एक जो मेरे को अच्छा लगा वो ऑस्ट्रेलिया का अच्छा लगा, कितने इतने ज़्यादा बीचेज हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास कोई है नहीं कंट्री, न्यूजीलैंड और भी दूर है, बीच में पानी है। 10,000 बीचेज है, 10,000 बीचेज हैं, और एक एक डेली अगर आप एक बीच को देखें तब भी आपको 25 साल लगेंगे बीच, सारे बीच देखने। हमारे इंडिया में कम जगह पे बीच है, ज़्यादा नहीं है वैसे, बीच तो वैसे बहुत जगह पे, ऐसी बात नहीं है। गोवा में ही बहुत बीचेज हैं, उसके अलावा आप केरला में हैं और पांडिचेरी में भी है मेरे ख्याल से, चेन्नई में भी है, कन्याकुमारी में भी है, तो विशाखापट्टनम में भी है, और कोलकाता, कोलकाता में है क्या, हाँ कोलकाता में भी होना तो चाहिए वैसे, हाँ तो वहाँ भी हैं, तो यह भी हैं, बट उस लेवल के नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में कह रहे हैं, उस लेवल के नहीं है। हाँ, और कोई एक बीच ऐसा था जिसमें मछली की 150 से ज्यादा, 2600 किलोमीटर का था उन्होंने। हाँ, 2600 किलोमीटर का पूरी लाइन है वो, जहाँ मछली की स्पीशीज अलग अलग तरह की स्पीशीज, बिल्कुल बिल्कुल। और एक वो मुझे वो भी बहुत ज्यादा भांसू वाला लगा फैक्ट, जो चाइना क्या कहते हैं डीएनए से, हाँ डीएनए का यूज करके वो क्या कर लेती है, उसने उन्होंने 2 बच्चे ऐसे पैदा किए डीएनए यूज करके। अब ये इस पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। अब मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं बात मान लूं, बट फिर भी देखना पड़ेगा। ऐसा तो हो सकता है कि उन्होंने जानवरों को पैदा कर दिया, लेकिन इंसान जानवर को भी नहीं पैदा, बताऊँ क्या किया इन्होंने, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, खुद नहीं पैदा किया उन्होंने ना, छेड़छाड़ की है खुद पे, अभी तक से पैदा नहीं उन्होंने, जो बच्चा जो जैसे बनता है ना, उनकी छेड़छाड़ की है, किसी का कहीं ऐसा कुछ करके ना डीएनए में थोड़ा फेर फदल कुछ ना कुछ किया है डीएनए में, तो उन्होंने छेड़छाड़ की है, और उससे जो बच्चे पैदा हुए ना, तो वो ऐसा क्लेम करते हैं कि आगे से इनको कोई भी कैंसर या कोई भी बीमारी जो होगी वो उनसे खुद लड़ लेंगे। तो अभी पता नहीं कितना उसमें सच है नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते, वो तो सिर्फ बातें हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते उसमें। सही बात है। और एक लास्ट वाला तो फनी था थोड़ा, कि एक शख्स जो था, मतलब पुलिस की उसने यूनिफॉर्म रेंट पे ली हुई, रेंट पे ले रखी थी, और महंगी कार रेंट पे ले रखी थी, और कितनी लड़कियों को वो घुमाता था, और क्या करता था, शादी के वादे किए थे सारी लड़कियों से। बताओ, वो पकड़ा गया। किस लिए ये सब? कैसे ही लोग होते हैं, मतलब ना ऐसे बहुत से अजीब अजीब से लोग शो ऑफ करने वाले ज्यादा होते हैं। तो चलते हैं गाइस, हंसी टीवी से थी ये वीडियो, पार्ट 4 था ये, तो अब हम बढ़ेंगे पार्ट 5 की तरफ, और काफी जबरदस्त वीडियो थी ये, तो आप हंसी टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हो, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.